अगली खबर आपको एतमादपुर से सुनाने जा रहे हैं, जहां पर लोकमाता महारानी अहिल्याबाई की जयंती पर एतमादपुर में झांकियों के साथ निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। देखिए आवाज न्यूज 24 की खास रिपोर्ट। लोकमाता महारानी अहिल्याबाई होलकर की भव्य जयंती शोभा यात्रा में शामिल झांकियों में होलकर राजवंश के वैभव के इतिहास की गाथा का यशोगान हुआ। दोपहर 3 बजे सतोली स्थित जेके गार्डन में स्वागत सम्मान एवं विचार गोष्ठी के बाद शोभा यात्रा शुरू हुई, जिसका शुभारंभ टुडला के विधायक प्रेमपाल सिंह धनगर द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि केंद्र कानून एवं न्याय राज्य मंत्री सांसद एसपी सिंह बघेल रहे। अध्यक्षता चेयरमैन राकेश बघेल ने की। डॉक्टर साहब, अहिल्याबाई जी का जो योगदान रहा देश के लिए क्या क्या रहा, और ये महापुरुष हैं, महापुरुष के उस माता ऐश्वर्य अहिल्याबाई के लिए क्या कहेंगे आप? माता अहिल्याबाई ने सबके लिए, मतलब पूरे देश के लिए उन्हें अपना वो सम्मान, मतलब वो किया था, उन्हें अपना पूरा देश के लिए उन्हें अपना नाम रोशन किया है, उन्हें मतलब सबके लिए उन्हें मतलब अपने रक्षा के और ज़्यादातर महिलाओं के लिए उन्हें उत्पीड़न रोका था उस जमाने में। और माता अहिल्याबाई जी का जो हर्षोल्लास से जयंती निकल रही है, हम पूर्ण रूप से उनका सम्मान और स्वागत के लिए तैयार हैं और हमेशा हम जीवन में हमेशा करते रहेंगे। जब भी जब जयंती निकलेगी तब तक हम हमेशा स्वागत करते रहेंगे। आज हमारे नगर एतमादपुर में महारानी अहिल्याबाई होलकर जयंती बड़े हर्ष और उल्लास के साथ एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ मनाई जा रही है और मेरा मन बड़ा प्रफुल्लित है। विशेषकर जो मेरे भतीजे प्रधान मुकेश बघेल ग्राम सभा सुरहरा से और जो हमारे ब्लॉक एदमापुर तहसील एदमापुर के जो प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं, तो मुझे बड़ा गर्व है जो आज बढ़ चढ़ करके हमारी अहिल्याबाई होलकर जयंती का स्वाफा पहनाकर माला पहनाकर और इत्यादि भेंट प्रदान करके जयंती का